हाँ दोस्तों, आवास में बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें दोस्तों पीएम मोदी द्वारा लाइव आकर ऐलान कर दिया गया है। अब दोस्तों आवास में बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत लाडली बहना आवास योजना को चलाया जा रहा है, जो कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को दोस्तों 1,20,000 रुपया दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते ही दोस्तों आप लोगों का पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों लाभार्थियों का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का आवास का लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी महिला है उन सभी महिलाओं को दोस्तों लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आप लोग आवेदन करके आप लाडली बहना आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा भी रिलीज हो चुका है, जो कि दोस्तों आज दोपहर 12 बजे से सभी लाभार्थियों को लाडली बहना आवास योजना का पहली किस्त का पैसा भी दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और दोस्तों झारखंड के अंतर्गत एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, इसमें दोस्तों राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है अम्बेडकर आवास दिया जाएगा, जो कि दोस्तों विधवाओं को दोस्तों अम्बेडकर आवास दिया जाएगा। इसमें दोस्तों अम्बेडकर आवास में दोस्तों आप लोगों को 1,20,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों को जल्द से जल्द अम्बेडकर आवास का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों झारखंड के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लागू कर दिया गया है, सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 10-10 अम्बेडकर आवास दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुछ नया नियम लागू कर दिया गया है, कुछ नया अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग 2023-24 के अंतर्गत नया तरीका से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है अपने ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आवास के दोस्तों सरकारी अधिकारी आएगा और आप लोगों का दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों आप लोगों को ये 5 डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें दोस्तों ये 5 डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर दोस्तों आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट हो गया है अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, और दोस्तों अपना बैंक पासबुक और अपना जमीन का पेपर। आप जिस जगह पर घर बनाना चाहते हैं, उस जगह का दोस्तों आप लोगों को जमीन का पेपर लगेगा, तब जाकर दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। ये दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 1 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा है, जिसे दोस्तों जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप लोगों को 3 महीने के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को 3 किस्त में फाइनल पैसा दिया जा रहा है, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त में, जो कि दोस्तों चौथा किस्त को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, 2023 से ये दोस्तों लागू कर दिया गया है। और दोस्तों जो बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है 2023-24 के अंतर्गत। और दोस्तों जिन सभी लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग में है, चाहे दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा पेंडिंग में है, आप सभी लोगों का हाउस सेक्शन हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया है। अब दोस्तों लाभार्थियों को दोस्तों पेंडिंग पैसा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आज के डेट में पैसा रिलीज हो चुका है, आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा। जितने भी लाभार्थियों का पैसा पेंडिंग में है, उन सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों आवास प्लस के अंतर्गत ये 3 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।